अक्टोबर आसुची बड़ वर्षा बंगोपसागर प्रवेश करिबो टाइफुन नूर अवशिष्टांश एक तारीख में घूर्णिबल सृष्टि हुई उत्तर पूर्व तत्संलग्न पूर्व केन्द्र बंगोपसागर में घनभूत हो प्रभाव में एक अक्टोबर पर राज्य में वर्षार परिमाण बढ़िबो एक दुई और तीन तारीख में उपकूल ओडिशा अधिक वर्षा हो आकलन करिछि पाणिपाग विभाग। आज बालेश्वर भद्रक जाजपुर केन्द्रापड़ा कटक जगतसिंहपुर पुरी खोर्धा नयागढ़ गंजाम गजपति सुंदरगढ़ देवगढ़ केउंझर मयूरभंज अनुगुल ढेंकनाल कंधमाल रायगढ़ कोरापुट में घड़घड़ी बिजुली सह प्रबल वर्षा नहीं येलो आलर्ट जारी हो सेपरी 29 और 30 तारीख में घड़घड़ी वर्षा सर्वाधिक रहा गोटे एक अक्टोबर बेलू एक घूर्णिबल जोटा कि बंगोपसगर उत्तर पूर्व और पूर्व केन्द्र बंगोपसगर अंचल को एक घूर्णिबल प्रवेश कर संभावना रही प्रभाव में आम दुई और तीन रर्षार परिमाण जथेष अधिक रही है जोटा कि गत काली सूचना जारी कर छड़ा गत काली जो आम घूर्णिबल रही है पश्चिम केन्द्र बंगोपसगर और पार्श्वर्त अंचल बर्तमान आम उत्तर पश्चिम और पश्चिम केन्द्र बंगोपसगर अंचल सक्रिय रही है जहाँ प्रभाव में आम बिजुली घड़घड़ी सहित वर्षा लग रही विभिन्न जिला आभ्यंतरण जिला जमी सुंदरगढ़ देवगढ़ केन्दुझर मयूरभंज यह सब जिले रही है आज आकलन जारी कर जोटा कि उत्तर ओडिशा समेत आमर पाखापाखि सुंदरगढ़ देवगढ़ केन्दुझर मयूरभंज अनुगुल ढेंकनाल कंधमाल रायगढ़ कोरापुट यह सब पाखापाखि 20 जिले में बिजुली घड़घड़ी सहित वर्षा संभावना रही है। आसंता काली बिजुली घड़घड़ी सहित वर्षा और किसी जिले में प्रबल वर्षार संभावना रही है। 28 तारीख जोटा कि मयूरभंज बालेश्वर कंधमाल गंजाम ये जो चार जिला रही से सब जिले में बिजुली घड़घड़ी सहित वर्षा और प्रबल वर्षा रहा संभावना रही है। 29 तारीख में गजपति मलकानगिरी कोरापुट में बिजुली घड़घड़ी सहित वर्षा संभावना रही है। जो घूर्णिबल जो रही बर्तमान नजर रखा जाए जो सृष्टि हमारे संभावना रही है एक तारीख बेलू बर्तमान आम 27 तारीख में जो परिसर मुक्त रही है एक तारीख पर्यटन आकलन जारी कर जो थी आम क्या कि जो परवर्ती दुई दिन रही अर्थात दुई और तीन तारीख ये जो दुई दिन रही से वर्षार परिमाण वृद्धि होवार संभावना रही राज्य में एक तारीख ठारूँ आम किसी अनेक स्थान जो उपकूल ओडिशा रही से अंचल आम अनेक स्थान में हालुका मध्यम धरण वर्षा रही है और प्रबल वर्षा 28-29 बर्तमान वर्षा जारी कर दुई और तीन तारीख बेलू वर्षार परिमाण वृद्धि होगा आकलन जारी कर।